हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सावधी ऑफिशियल। तो मैं स्वाती गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज ना मैं आपके साथ रक्षाबंधन का लुक शेयर करने वाली हूँ। तो ये लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो नहीं रहेगा वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आपको वीडियो में हर एक चीज़ समझ में आएगी। और गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अल्टरनेट पे लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ और डेली एक शॉर्ट वीडियो मेरा जाता है। साथ ही मैं कुछ कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी डालती हूँ, मिनी ब्लॉग भी डालती हूँ, तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। तो वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट। सबसे फर्स्ट मैं ये गुलाब जल लगाती हूँ अपने फेस पे। तो पहले मैं गुलाब जल अप्लाई करूँगी। गुलाब जल ना हमारे फेस पे टोनर का काम करते हैं, तो इसलिए मैं और कोई टोनर यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ गुलाब जल यूज़ करती हूँ एक्सेप्ट ऑफ। और इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे बहुत पसंद है। साथ ही मैं कुछ ऐसे मसाज भी कर लेती जो लोग जितने मुझे आते हैं उतने में मसाज भी कर लेती हूँ, टोनर लगाती हूँ ताकि मेरे फेस की एक्सरसाइज हो जाए। यूज़ करूँगी ये गुड वाइब का फेस सीरम है। तो अभी तो रिसेंटली मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हल्का मैं मेकअप करने से पहले ज़रूर इसको अप्लाई कर लेती हूँ, बाकी ऐसा मैं मेरा रेगुलर नहीं रहता, पर हाँ मेकअप करने से पहले मैं ज़रूर अप्लाई कर लेती ताकि मेकअप के जो हार्म प्रोडक्ट है ना मेरी स्किन को डैमेज ना करें। इसको भी लगाने के बाद हल्का सा इसे फेस में हल्का हल्का से मसाज कर लेती हूँ मैं ऐसे। जो बचा कुछ है उसको हम गले पे लगा लेंगे। गर्मी का माहौल है, वो सूट करते करते वैसे पसीना आ जाएगा, तो मैं अभी इसके बाद डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी। अब हम यूज़ करेंगे फिटमी का प्राइमर। अब अपने फेस में यूज़ करेंगे कंसीलर, ये फिटमी का ही कंसीलर है। एक चीज़ और बता दूँ, मैं अपना आधा ज़्यादा मेकअप ना हाथ से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश में थोड़ा कम कंफर्टेबल होती हूँ, इसलिए मैं अपना मेकअप ना हाथ से लगाती हूँ। हाथ लगाएंगे फेस पाउडर, जो कि मेरा ये भी ग्लैम 21 का ही है। मैं बहुत मिनिमल पता नहीं मैंने क्या सोच के इस ब्रांड का लिया था, अब मुझे भी नहीं आइडिया है। तो देखना मैं इसका मेकअप भी हाथ से ही करूँगी। पहले मैं ये वाला सेट लगाऊंगी। इसके बाद अपने आँख पे डार्क शेड लगाएंगे। आई नो मैं मेकअप पे प्रो नहीं हूँ, पर हाँ मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। इस शाइनिंग से वो लगाएंगे सिमर टाइप का, तो मैं ये वाला अब यूज करूँगी सीरियस। और लाइन पे भी मैं ऐसी कोई डार्क शेड ही लगाऊंगी। लाइनर इस टाइम नहीं यूज़ कर रही हूँ, इस टाइम मैं नया मेकअप कर रही हूँ, नया मतलब नए तरीके से। तो अब मैं काजल को आंखों के ऊपर लगाऊंगी। लोअर लाइन पे भी मैं
कौन सा काजल अप्लाई करती हूँ। एक्चुअली मेरा काजल खत्म हो गया है ना, तो मुझे मालूम नहीं कौन सा काजल यूज़ कर रही थी। मे बी शायद स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही थी। काजल भी लगा लिया है, तो हम मस्कारा लगाएंगे काजल के बाद। तो अभी मैंने इसको रिसेंटली बाय किया है और ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट बन चुका है। तो चलो इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस देखो, मैंने भी एक बार लगाया है और अब रियल आंख और रियल आंख में देखो डिफरेंस देखो, है ना। ये तो यही है अभी मेबलिन का मस्कारा है, जिसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इसकी मैं इसकी जरूर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उससे वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। इससे अपने आईब्रो को सेट करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सी लग रही है। आउटलाइनर लगाने के बाद ही अलग सा ही फेस लगने लग रहा है। मैंने अभी रिसेंट पे ही बेग ब्यूटी की लिपस्टिक बाय की है, तो उसी को ही लगाते हैं यार, देखते हैं कैसा लुक आता है। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी कुछ रेड लिपस्टिक लगाई, होप सो अच्छी लग रही हो मेरे फेस के ऊपर। तो ये थी रेड लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही है ये। और ये लिपस्टिक ना बहुत प्यारी है, एकदम स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ है। अरे यार, मैंने तो अपने फेस में ब्लश तो लगाया ही नहीं। तो मेकअप करती हूँ ना मैं, अक्सर कुछ चीज़ भूल जाती हूँ, फिर उसको बाद में अप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैंने ब्लश भी लगा लिए हैं, अब हम लगाएंगे अपने फेस में हाइलाइटर। मेकअप को पहले सेट हो जाने देंगे, उसके बाद में आपसे हो गया डन। सो अब मैं पूरी पहले साड़ी वगैरह वियर कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड बिंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे ऊपर। तो या तो दिस इज़ माई फुल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का मेकअप एकदम मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है। आज का मेकअप लुक एकदम ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा मेकअप लुक ना शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया, मतलब करवा चौथ में मैंने ऐसा मेकअप लुक किया था। फिर उसके बाद मैं अभी मेकअप लुक कर रही हूँ ये, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। होप सो आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसकी वीडियो अगर आप मेरी शुरू से देखी है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो यार उसके लिए ज़्यादा कुछ मत करो, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देते मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना ताकि ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो मैं मिलती हूँ ऐसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, नए नए कलेक्शन के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।